आपका नाम? दुर्गा दत्त। कहाँ से हैं आप? जत्तर से। तो इस बार वोट आप किसको देंगे? वोट दे दिया आपको। बोलना दोबारा। हम तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, बीजेपी को क्यों वोट देंगे? ये अपना मोदी के काम को देख के। कौन सा काम कर दिया मोदी जी ने? कर दिया जिसमें कोई हिसाब किताब है नहीं, कोई तरक्की हो रही है, कोई देश का नाम हो रहा है, वर्ल्ड में नाम हुआ है। काम तो उन्होंने भी करे हैं, लेकिन अब इस टाइम कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी काम किया है? क्यों नहीं करा वो जो वैसे? क्या काम किया है कांग्रेस ने? जो इतने साल उन्होंने राज करा, आज इतनी तरक्की हुआ है कुरुक्षेत्र में या कोई इंडिया में, जो भी है, तो उनकी बदौलत है ये भी। अच्छा, मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। काम से पूछा है। तो बीजेपी की सीट से इस बार नवीन जिंदल खड़े हैं। यही बीजेपी पार्टी ने उन पे इल्जाम लगाया था कि वो कोयला चोर हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? चोर तो सारे हैं, जो भी सारे चोरी इकट्ठे हो रहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि शुरू चल रहे थे शुरू में, यहाँ पर वो आए हैं, पहले भी लड़े हुए हैं यहाँ पर, तो बीजेपी के नाम पर उनको वोटें पड़ी, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगी। पहले तो कांग्रेस में थे, फिर आगे भी अब दुनिया चेंज हो रही है। तो मतलब यही बीजेपी पार्टी ने उन पर एलिगेशन लगाया था कि वो कोयला चोर है, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर मेरी कोई राय नहीं है। आपको ये लगता है कि बीजेपी पार्टी के में जो शामिल हो जाता है वो साफ हो जाता है? ये सिर्फ वोट जो है मोदी जी को है, जो को क्लियर बात, नवीन जिंदल को वोट नहीं देंगे आप? वोट मोदी जी को है। नवीन जिंदल को क्यों नहीं देंगे? बस सिंबल उनका ही, हम तो मोदी जी को देंगे, नाम मोदी का है, जब मोदी को ही वोट पड़ रहे हैं। रणधीर वालिया। कहाँ से हैं आप? लोकल कुरुक्षेत्र से ही। इस बार वोट आप किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट क्यों देंगे? क्योंकि बीजेपी ने पूरे देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर देश का नाम बढ़ाया है, हर जगह तरक्की हो रही है, सड़क में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हर जगह एम्स में, IIM में, सब डिफेंस के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर बीजेपी देश को ऊँचाइयों पर ले जा रही है। इसलिए हम सेंटर को देखते हुए मोदी के समर्थन में वोट देंगे। अच्छा, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, इस पर आपकी क्या राय है? मोदी जी ने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, लोगों को अपने आप रोजगार प्राप्त करना है, ना कि नौकरियां सरकार देगी। अब सबको एम्प्लॉयर बनना है, ना कि एम्प्लॉई बनना है। मोदी जी का ये विजन है कि आप बैंक की सहायता लो, किसी की सहायता लो, लेकिन रोजगार क्रिएटर बनो, ना कि रोजगार सरकार से मांगो। इसलिए हर आदमी को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करके आगे नौकरियां देनी है, ना कि सरकार की नौकरियां लेनी है। अच्छा, कुरुक्षेत्र की सीट से बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल खड़े हैं। ये बीजेपी पार्टी ने उन पर आरोप लगाया था कि वो एक कोयला चोर हैं, इस पर आपकी क्या राय है? लेकिन उसमें कोई साबित तो नहीं हुआ, ये उस समय की बात थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई उनके ऊपर एलिगेशन साबित नहीं हो सका। उस समय उठी थी बात, लेकिन एंड में तो कुछ भी नहीं निकला। बीजेपी में अगर कोई शामिल हो जाता तो उनके जो भी भ्रष्टाचार होते हैं वो साफ हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी हर आँख मूंद के हर एक को एडमिट नहीं करती अपनी पार्टी के अंदर, सब कुछ देख के ही वो सदस्यता ग्रहण कराती है। कुरुक्षेत्र से ऐसा बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा चेहरा नहीं था क्या कि जो नवीन जिंदल को अपने पार्टी में शामिल कर लिया? ये तो सरकार ऊपर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है उसका निर्णय होता है, हमने किसको लड़ाना किसको नहीं लड़ाना। वो एप्लीकेशन तो बहुत गई थी, लेकिन सब में जो ठीक होता है उसको टिकट दिया जाता है, और इसीलिए नवीन जिंदल यहाँ से बड़े बहुमत से जीत के जाएंगे। सर, आपका नाम? जी, कवल मदान। कहाँ से हो आप? पिपली, जिला कुरुक्षेत्र। क्या लगता है इस पर किसकी सरकार आ रही है? देखिए जी, सरकार तो मोदी की भी आनी चाहिए, और हम चाहते हैं, क्योंकि और कैंडिडेट उनमें कोई अच्छा है ही नहीं, हमें ये कैंडिडेट बहुत अच्छे लगे हैं और ये प्रधान भी अच्छे लगे हैं। अच्छा, ये बात बताइए, कुरुक्षेत्र से आप किसको जिताना चाहते हैं? यही, हम नवीन जिंदल खड़े हैं तो हम उनको जीत देंगे वोट। यही बीजेपी पार्टी ने नवीन जिंदल को 2014 में कोयला चोर बोला था, इस पर आपकी क्या राय है? देखो जी, बोला तो था, पर अब क्या कह सकते हैं उनके बारे में, तो जो हो रहा है वो अब ठीक ही हो रहा है, अब इसके बारे में अब क्या कहें आपको। क्या आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी में जो आ रहा है जितने भ्रष्टाचारी हैं वो धुल जा रहा है? आ तो रही है, जब क्या करें हैं, भ्रष्टाचारी तो बहुत है, लेकिन आस्ता आस्ता यही कवर होगी, एकदम तो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है,
भ्रष्टाचारी से बहुत भरा पड़ा है। अगर कोई काम कहेंगे जैसे हमारे मोहल्ले में है या गली में है, कहीं भी कोई काम करना हो तो सही ढंग से हो नहीं रहे हैं। जैसे साफ सफाई हो गई, ये हो गया है, कह तो देते हैं, कर देते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। आप लोग समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा जी, बहुत। हम तो मेरे हिसाब से, मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, मैं तब से ही अपने ही पिपली में ही रहता हूँ, तब से यही देख रहा हूँ। चाहे हमारे पास कम से कम 4-5 सरपंच आ चुके हैं तो गली सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई होती नहीं है। अब 2-4 जो हमारे गली मोहल्ले के लोग हैं वो जाने को तैयार ही नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि हमें क्या करना है। अब दो बंदे कहते हैं तो क्या करेंगे, दो कहने कहते हैं चलो हम चल जाते हैं, तो 2-4 बंदों से कुछ नहीं होता। कम से कम पूरा मोहल्ला 20-30 बंदे जाएंगे। आपको नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए जी, मैं तो चाहता हूँ बदलाव हो, लेकिन अब जो सरकार ये हम तो, मैं चाहता हूँ प्रधान जो हैं तो इनको ही बनाना चाहिए और नवीन जिंदल को ही बनाना चाहिए। सर आपका नाम? संजीव कुमार। कहाँ से हो आप? हम लोकल रहने वाले हैं यहाँ कुरुक्षेत्र हरियाणा से। क्या लगता है इस पर किसकी सरकार आ रही है? सरकार देखिए जी, आनी ही बीजेपी की ही चाहिए, क्योंकि जो ग्रोथ पीछे इतने सालों में हुई है मैंने नहीं देखी है। जहाँ तक मैंने देखा है कि मैंने इतनी ग्रोथ हुई नहीं देखी कंट्री की कभी भी। जो फैसिलिटी जो भी है, मतलब देखिए आजकल की जनरेशन क्या चाहती है, उनको फैसिलिटी चाहिए। फैसिलिटी तभी मिलेगी जब कोई ऊपर करने वाला होगा। लोग आजकल की जनरेशन तो रोज़गार भी चाहती है। रोज़गार मिलता है अगर कोई इंटरेस्ट लेगा तभी मिलेगा ना जी। रोज़गार सड़कों पर तो पड़ा नहीं है। अब कौशल रोज़गार योजना गवर्नमेंट ने चला रखी है तो कोई जाके कर पाएगा तभी होगा ना जी। अब घर बैठे तो कोई रोज़गार देगा नहीं किसी को आगे। अब कोई पर्सन जाएगा, उसको इंटरेस्ट है कि हाँ मैंने कुछ करना है, उसके अंदर कुछ है जज्बा है काम करने का, तभी वो सीखे। गवर्नमेंट ने पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस पर? ये ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। आईटी में देखिए आप, बेंगलोर ऐसी सिटीज़ में जाके देखिए कितना कुछ काम मिल रहा है लोगों को। ऐसा नहीं है कि लोग बेरोजगार हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं, दूसरी जो पार्टीज हैं वो ये फैलाती हैं ये बातें। कौन पार्टी फैला रही है? देखिए पर्टिकुलर कोई पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, पॉलिटिक्स में सब है तो सबका अपने अपने व्यू होता है बोलने का, एक तो सब अपने व्यूज देते हैं, तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्टी का नाम लेना तो अच्छा नहीं लगता ना। कुरुक्षेत्र से किसको वोट दे रहे हैं? उसे तो हम बीजेपी, देखिए हम इस टाइम हम सिर्फ हमारा एम है बीजेपी को वोट देना, ठीक है जी। उसमें अब जो भी बनेगा, हम स्पेसिफिक कोई पर्सन के लिए वो हमारा वो नहीं है कि हमने पर्सन को ही देना है, हम वोट देंगे बीजेपी को ताकि देश आगे बढ़ता रहे हमारा। तो यहाँ से कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट खड़े हैं नवीन जिंदल, तो आप उनको उन्हीं को वोट देंगे? बिल्कुल उन्हीं को ही देंगे और हम मोदी जी को ही जिताएंगे इस बार भी। 2014 में मोदी जी ने नवीन जिंदल को कोयला चोर बोला था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये राजनीति एक ऐसी चीज़ है, इसमें कहते हैं ना एक टाइम देख के अपना पासा बदल लेते हैं सब लोग। तो अब कह दो कि ये बहती गंगा कह लो, जो मर्जी कह लो, कि हर कोई कहता है चलो अब सबको दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि किसने आना है किसने नहीं आना। तो लोग कहते हैं चलो जो पीछे छूट गया वो तो जो बात होगी होगी, तो आगे तो करेंगे ही, अब आएंगे लोग इसमें। तो आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था कुरुक्षेत्र से, तो इसलिए उन्होंने नवीन जिंदल को कांग्रेस से बुला लिया? ऐसा कुछ नहीं है, सुधा जी थे हमारे, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ग्रोथ हुई है कुरुक्षेत्र शहर के अंदर। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं था। देखिए कमियां तो रहती हैं, ये नहीं है 100% तो रिजल्ट भी नहीं आता है, कभी भी नहीं आएगा। टाइम तो देना ही पड़ता है हर काम के लिए ना, जितना टाइम मिलेगा उतना काम करेंगे लोग। तो टाइम में एक पर्टिकुलर प्रश्न देंगे तो उनको कमियां पता लगती, नहीं तो काम होता रहेगा, तो यही होता है बस। जिंदल के बारे में बताइए, बीजेपी ने एलिगेशन लगाया तो फिर अपने पार्टी में ले लिया, इस पर क्या बोलेंगे? ऐसा जी, एलिगेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, अब ये चलता रहता है, ब्लेम आरोप प्रत्यारोप तो चलते हैं। वो आज कल को वो कांग्रेस में जाएंगे तो कोई प्रत्यारोप फिर लग जाएगा। ये तो हर उसमें होता है कि कोई भी पर्सन आएगा तो उसके ऊपर लगा ही। देखो दूध के दूल्हे कोई भी नहीं है जी, सीधा बताऊँ दूध के दूल्हे कोई भी नहीं है, इनमें भी बहुत हैं उनमें भी बहुत हैं। ये तो है ही है कि ये बीजेपी में जाएंगे तो वो बोलेंगे, वो कांग्रेस में तो ये बोलेंगे, ये किस जेजेपी में जाएंगे तो वो बोलेंगे, ये तो होता है हर पार्टी में बोला जाता है। आपको ये लगता है कि बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए तो उनका जो भ्रष्टाचार है वो धुल गया? भ्रष्टाचार धुलने वाली बात नहीं है। देखो अगर उनको मौका दिया गया है तो अपनी वो उस इमेज को जो पीछे हटाना तो चाहेंगे। देखो जो उनके ऊपर धब्बा लग गया है, लगा हुआ जो अब दो धब्बा लग गया है वो एकदम से मिटेगा नहीं। अगर वो उनको जनता मौका देगी तो वो अपना कोशिश करेंगे कि जनता उस चीज़ को भूल के और इनको आगे फिर फॉरवर्ड करे आगे जाके। तो जो क्या कहते हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास सारी तरह के लोग आते हैं बैंक में, तो अलग अलग रिस्पॉन्स है।
कुछ कहते हैं कि बीजेपी रिटेन करेगी, कुछ कहते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस और आप भी आ सकते हैं, तो मिक्स रिस्पॉन्स है। आपको सर आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? कौन आएगा? हाँ। अभी तो मिक्स रिस्पॉन्स है, मेरे पास भी आप जैसे पब्लिक ही आती है बैंक में। नहीं, आप अपना पर्सनल ओपिनियन बताइए ना, आपको भी तो कुछ लग रहा होगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नहीं, दैट आई डोंट वांट टू शेयर। बट व्हाई? पर्सनल रीजंस। अच्छा, आप महंगाई पर कुछ बोलना चाहते हैं? महंगाई पर देखो, अगर महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है, एज ए बैंकर आई वैसे कह के इकोनॉमिक्स, तो इनके इनकम भी बढ़ी है, वो कोई कंसर्न ऐसा एरिया नहीं है। बेरोजगारी? मैडम, बेरोजगारी अगर मेहनत करने वाला आदमी है तो उसके लिए काम है इस देश में, मेरा मानना ये है। अब बच्चों का पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? वो बच्चे तो मेहनत ही कर रहे हैं, वो बच्चे तो मेहनत ही कर रहे हैं ना सर। मैनेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, तो पेपर लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस बारे में मुझे कुछ आईडिया नहीं कि हाउ इट प्रोसेस और कैसे प्रोसेस होता है वो। आपका नाम? दीपक। कहाँ से हुआ? 75। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? सरकार कांग्रेस की लग रहा है, यहाँ पे तो चांस कांग्रेस आएगी। क्यों आएगी? बस बदलाव जरूरी है, 10 साल हो गए मोदी जी को, बदलाव जरूरी है। मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है यहाँ पर? तो किया नहीं, बाकी पता नहीं आगे यहाँ पर तो किया नहीं। अच्छा, क्या काम नहीं किया यहाँ पर बताना चाहेंगे? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, सारा कुछ ऐसे ही आप देख सकते हो, गलियों बस सड़कें बनी हैं, जो बने हैं, रोज़गार नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। महंगाई तो बढ़ रही है। अब ये अंगूर लिया मैंने 80 रुपये, क्या था किलो, क्या फ़ायदा? क्या उम्मीद करते हैं जो अगली सरकार आए वो किस विषय पर काम करना चाहेगी? महंगाई पे करे जमीन, तो महंगाई पे करे। और रोज़गार? महंगाई रोज़गार दो चीज़ जरूरी है। ना कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा भाई साहब। यहाँ पर कांग्रेस आएगी, कांग्रेस पे सब वोट करें, बस यही है। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। इस बार सुशील